schemes for veterinary field and especially women's empowerment. Mrs. Thakkar was also just now telling me there are so many schemes. I want to see more of my lady veterinarians becoming entrepreneurs now. I want to see we men felicitating more lady entrepreneurs in the next convention. That is empowerment. Otherwise, sessions will happen, we all will come, and of course the unity is important, but that unity must somewhere have a long-term goal and a short-term goal. So the long-term goal has to be lady veterinarians becoming giving jobs rather than seeking jobs. Yeah. So I अरे फिर से मेरा वो गुलाब लेके गए. I wanted to felicitate the youngest lady veterinarian here present in the auditorium. Who is the youngest? Who is the youngest? Achha, no lady will want to say. Everybody will say, I am the youngest. Achha, will you decide finally who is the youngest and come? Or let me decide with my drishti, Divya Chakshu. Seeing this, become entrepreneurs. I want to see ladies heading institutions, creating institutions, giving jobs to men. Though we have a lot of industries and all that, but basically we have to give so much importance to agriculture. And one thing is that animal husbandry and agriculture, they have to, these two have to go hand in hand. And we had the white revolution, we had the green revolution. Dr. Shoshana, hi ma'am, we are missing you here. Yeah, I'm here. Thank you so much. You are all inspired people, especially ladies. इसलिए अगर ह्यूमन हेल्थ को ठीक करना है तो एनिमल हेल्थ को ठीक करना होगा, एनिमल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा, रिसर्च करना होगा. इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि बहुत कम समय है, आप सब लोग, मैं तो अभिनंदन करना चाहता हूँ मेरी नॉर्थ ईस्ट की बहनों का, जो इतने उत्साह के साथ साउथ से पूरे देश में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, आप सबने जिस प्रकार से ताकत के साथ, अब की बार हम और बड़े संख्या में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे. इसी प्रकार भारत माता की सेवा करते रहेंगे जिस प्रकार अन्य प्रोफेशन लोग करते. दुनिया भर में जितनी भी आर्थिक प्रगति हो रही है, भारत तो भी G20 की लीडरशिप कर रहा है. एक तरीके से समय नजदीक आ रहा है कि हम लोग दुनिया को से केवल ले नहीं, दुनिया को मार्गदर्शन करें. विश्वगुरु शब्द का भी बड़ा उपयोग हो रहा है. तो मुझे लगता है कि अगर वो करना है तो हम लोगों को अपने एग्जाम्पल सेट करने होंगे. ये बहुत अभिनंदनीय है कि आज वेटरनरी साइंस में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया प्रैक्टिशनर्स, उनका पद्मश्री पद्मा अवार्ड से सम्मान हुआ है. और ये मुझे लगता है कि केवल उनका सम्मान नहीं है, ये आपकी पूरी फ्रैटर्निटी का, आपके सारे कार्य का सम्मान है. और ये इसीलिए किया गया है ताकि और भी लोग इस क्षेत्र में आगे आए. तो आप लोग इस दिशा में आगे बढ़ें और बहुत अच्छे काम करें. मुझे आप लोगों के साथ यहाँ आपके सम्मेलन में आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ. आपको पुनः एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं. भारत माता की जय. हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. व्यक्तिगत रूप से मेरी उपस्थित रहने की इच्छा थी,
शायद समय नहीं मिल पाया, इसलिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर से एक बार सभी बहनों को विशेष रूप से उनको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इनको सबको ऑर्गेनाइज करके हम होंगे कामयाब और हमारे में कोई कमी नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, इसी भाव को जगाने वाला ये कार्यक्रम है। मैं फिर से एक बार सभी बहनों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मी डॉक्टर मंजुषा पुंडलिक। आता जे नागपूर जिल्ह्यामध्ये शक्ती 2 ही महिला पशुवैद्यकांची परिषद आयोजित केली आहे त्याची मी ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आहे। आज या परिषदेचं अत्यंत सुंदर असं उद्घाटन झालेलं आहे। या परिषदेमध्ये देशातील 29 राज्यांमधून सुमारे 375 महिला पशुवैद्यक यांनी हजेरी लावलेली आहे। या परिषदेमध्ये आपण विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला पशुवैद्यकांना एकत्र आणून त्यांचं एक समन्वयन घडून येण्याचा मुख्य उद्देश आहे, जेणेकरून त्यांच्या संकल्पना, त्यांच्या आयडियाजची देवाणघेवाण होईल आणि त्यामुळे पुढच्या भविष्यात आमच्या या महिला पशुवैद्यक अधिकाधिक सबळ आणि कार्यक्षम होतील, नवीन नवीन यशाची शिखरे गाठू शकतील। नाही, ही देशातली दुसरी परिषद आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये पहिलीच आहे। पहिली यापूर्वी भोपाळमध्ये झाली होती, त्यानंतर आपला नंबर लागलेला आहे महाराष्ट्रात। 375 महिलांनी आपल्या याच्यात रजिस्ट्रेशन केलं आणि सगळ्या हजर झाले आहेत। आणि विविध क्षेत्र म्हटलं तर शासकीय व्यवसायापासून स्वतःचा व्यवसाय, स्वतःची प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करणाऱ्या किंवा इतर प्रायव्हेट कंपन्यांमध्ये पण एक्सपर्ट म्हणून काम करणाऱ्या, तसेच विद्यापीठात असिस्टंट प्रोफेसर, प्रोफेसर म्हणून काम करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या महिला पशुवैद्यक याच्यात सामील झाल्या आहेत।